हाय बच्चों, आज हम अध्याय 6 रेखा एवं कोण की जो तीसरी प्रश्नावली है 6.3 उसका तीसरा और चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें हमें तीसरा प्रश्न जो है वो दिया है कि आकृति 6.41 में यदि रेखा ए बी रेखा डी के समांतर है, ये रेखा ए बी है और ये डी ई है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कोण बी ए सी का मान हमें दिया 35 डिग्री। आपको दिख रहा है बी ए सी ये वाला कोण जो है वो 35 डिग्री है, और सी डी ई ये वाला कोण हमें दिया है 53 डिग्री। तो हमें कोण डी सी ई ज्ञात करना है, डी सी ई यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि दिया है हमें कि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और यहाँ पर एक तिरछी रेखा ए ई उन्हें काट रही है। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है समांतर रेखाओं को, तो इस प्रकार बने जो एकांतर कोण युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कोण ये जो यहाँ पर कोण बना है बी ए सी वो कोण सी ई डी के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। यहाँ पर जहाँ पर आपका जेड का फिगर बनता है, तो इस प्रकार जो कोण होते हैं आपके तिरछे कोण वो बराबर होते हैं। तो ये 35 डिग्री है, तो इसका मान भी कितना होगा 35 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कोण बी ए सी और सी ई डी जो है एकांतर कोण है, तो ये इस कारण सी ई डी भी कितना होगा 35 डिग्री होगा। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज के दो कोण हमें ज्ञात हो गए हैं, तो हमें ये तीसरा कोण ज्ञात करना है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ त्रिभुज सी डी ई में त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म लगाएंगे। तो कोण योग गुणधर्म के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने लिखा है 180। तो दो कोणों का मान हमें प्राप्त था, सी डी ई का 53 डिग्री और सी डी का हमने अभी निकाला था 35 डिग्री, और जिसको हमने निकालना है उसको हमने एज इट इज लिख दिया है कोण डी सी बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो इन दोनों का योग आया 88 और प्लस कोण डी सी इज इक्वल टू 180। अब इस 88 का हमने पक्षांतर कराया है, तो ये प्लस से यहाँ माइनस में चले गया, यानी 180 में से घट जाएगा। तो 180 में से घट के डी सी का मान हमें प्राप्त हुआ है 92 डिग्री, यानी जो कोण हमें ज्ञात करना था वो कोण हमें प्राप्त हुआ है 92 डिग्री। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आकृति 6.42 में यदि दो रेखाएं PQ और RS, ये रेखा PQ है और ये रेखा RS है, ये दोनों T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, ये हमें बिंदु T दिया गया है, यहाँ पे ये T है, इस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये RS रेखा है और ये PQ रेखा है। तो यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं, कोण PRT इसका मान हमें दिया 40 डिग्री, RPT इसका मान हमें दिया 95 डिग्री, और TSQ इस कोण का मान हमें दिया है 75 डिग्री। तो हमें कोण SQT ज्ञात करना है, SQT यानी ये वाला कोण हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है X का फिगर इस चित्र में दिख रहा है, तो X के फिगर में क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो यदि हमें इस कोण का मान पता चल जाए तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मान भी वही होगा। तो हम सबसे पहले इस कोण को ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज PRT जो है इसमें दो कोण हमें ज्ञात हैं, तीसरा अज्ञात है, तो इसे हम त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म की मदद से निकालेंगे। तो हमने इस त्रिभुज के दोनों कोणों को यहाँ पे नोट कर लिया है, और अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, अर्थात हमने तीनों कोणों को लिखा है प्लस में और उनका योग हमने दर्शाया 180, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, यानी कोण योग गुणधर्म यहाँ पे हमने लगाया है। तो हमने यहाँ पे दो कोणों के मान जो हमें ज्ञात थे PRT और RPT उनके मान हमने रखे हैं 40 और 95 डिग्री, और जिसे निकालना है वो हमने एज इट इज लिखा है PTR बराबर 180, इन दोनों को जोड़ के आया 135 डिग्री, और इस PTR की वैल्यू जब हम इस पर 135 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगी 180 में से 135 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है 45 डिग्री, यानी इस कोण का मान हमें ज्ञात हो गया है कि यह कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज SQT के भी हमें दो कोण ज्ञात हो चुके हैं, तो इस तीसरे कोण को हम त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म की मदद से निकाल सकेंगे, जो कि हमें फाइनल आंसर देगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि रेखाएं PQ और RS जो हैं वो बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो PTR कोण जो है वो किसके बराबर होगा, STQ के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो STQ की वैल्यू भी कितनी आ गई 45, यहाँ से 45 दोनों के मान बराबर हैं। तो अब त्रिभुज STQ में हम त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म लगा रहे हैं, तो हमने तीनों कोणों को लिखा है STQ SQT और TSQ बराबर 180, इसमें से जिनके मान हमें ज्ञात थे वो हमने रखे, एक का मान 45 अभी निकला था और एक का मान हमें 75 डिग्री प्रश्न में दिया था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है 120 डिग्री,
और जिसका पक्षांतर हम करेंगे तो एस क्यू टी का हमें प्राप्त होता है मान 60 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें निकालना था। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।